नए व्यूअर्स, जल्दी से सेलेब्स फॉर स्टाइल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर देना। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपने लव अफेयर्स की वजह से भी काफी चर्चाओं में रह चुके हैं। उन्हें जब जब प्यार हुआ तब तब वो सुर्खियों में छाए रहे। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने चैनल सेलेब्स फॉर स्टाइल में। दोस्तों, सलमान खान का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, जिनमें संगीता बिजलानी, सोमा अली से लेकर ऐश्वर्या राय, जरीन खान और कैटरीना कैफ जैसी कई अभिनेत्रियां शामिल हैं। हालांकि इसके बावजूद वो 54 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं। इस वीडियो में आज हम आपको सलमान खान और जूही चावला से जुड़ा एक किस्सा आपको बता रहे हैं। जब सलमान खान खुद उनके घर पर शादी के लिए उनका हाथ मांगने गए थे, जूही चावला ने यूं तो जय मेहता से शादी की है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी खुश भी हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब सलमान खान जूही को बेहद पसंद करते थे और उन्हें अपनी जीवन साथी बनाना चाहते थे। सलमान खुद ये बातें एक पुराने इंटरव्यू में बता चुके हैं। उन्होंने बताया था कि वो जूही से शादी करना चाहते थे। जूही के लिए सलमान की दीवानगी इस कदर थी कि उन्होंने जूही के पिता से शादी की बात तक कर ली थी। वो शादी का प्रपोजल लेकर जूही के पिता के घर पहुंच गए थे। सलमान खान ने बताया कि जब वो शादी का प्रपोजल लेकर जूही के पिता के पास गए तो उन्होंने सीधे ना कर दिया। नहीं नहीं, हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। जब सल्लू मियां से इस बारे में पूछा गया कि जूही चावला के पिता ने रिश्ते को क्यों ठुकरा दिया भैया, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्हें क्या चाहिए था, मुझे इतना कहा गया कि मैं जूही चावला के लिए सूटेबल नहीं हूँ। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि सलमान खान उनके लिए सूटेबल नहीं होते या फिर जो अभी उनके हस्बैंड है वो उनको एकदम सूट करते हैं। खैर, अपनी अपनी चॉइस है भाई, क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर करना। शुक्रिया।